गाइस वेलकम टू माय चैनल भारतीस लाइफस्टाइल विद कुकिंग। सो गाइस नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है, करवा चौथ भी आने वाला है, फेस्टिवल का सीजन स्टार्ट हो गया है। सो गाइस अगर आपने अभी तक शॉपिंग नहीं किया है तो डोंट वरी, मैं आपके लिए बहुत बेस्ट आइडियाज़ लेके आई हूँ। तो आपको क्या करना है कि जैसे करवा चौथ में हो या फिर करवा चौथ में खास करके आएँ कि थोड़ा सा ब्राइडल टचअप देते हैं, ब्राइडल लुक बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब हैवी लुक उसमें सूट होता है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बेस्ट आइडिया लेके आई हूँ। सो गाइस सबसे पहले आपको एक साड़ी की रिक्वायरमेंट होगी, कोई भी ओल्ड साड़ी जिसका ट्रेंड चला गया हो, आप उसे यूज़ नहीं करना चाहते और बहुत ही कॉस्टली है, आप उसे मतलब यू नो वेस्ट भी नहीं करना चाहते हो, तो वो रखे रखे वार्डरोब पे वैसे रखा हुआ है, उसका ना कोई यूज़ नहीं है, तो वैसे साड़ी को आप फिर से रीयूज़ कर सकते हो। अगर आप साड़ीज़ आपके पास नहीं है तो आप अपने मम्मी मौसी का भी साड़ी यूज़ करके एक नया आउटफिट क्रिएट कर सकते हो। तो वो कैसे करना है चले मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरे पास जो है एक ओल्ड साड़ी था, तो एक्चुअली मेरी मम्मी ने मतलब एक साड़ी ली हुई थी जो सिक्वेंस वाली साड़ी होती है, जब उसका ट्रेंड चल रहा था तब लिया हुआ है, बट अभी ओल्ड हो चुका है और उसका कोई यूज़ नहीं कर रहा है, देन वो ऐसे ही वार्डरोब में पड़ा हुआ था। तो मैं उसे लेके एक नया आउटफिट क्रिएट की। तो वो कैसे करना है बहुत ही ईजी सिंपल है, आप नया आउटफिट क्रिएट कीजिए खुद और उसे वेयर कीजिए और विदाउट शॉपिंग आप डिफरेंट आउटफिट ट्राई कर सकते हो। तो चलिए कैसे करना है। तो सो गाइस ये वाली साड़ी थी, ये जो सीक्वेंस वाली है ये वाली साड़ी थी, और जब ये नया निकला था बहुत ही इसका ट्रेंड चल रहा था। देखिए सो गाइस इसको क्या करना है, कोई भी साड़ी लेनी है आपको तो उसके जो पल्लू होता है वहाँ से आपको 2 मीटर जितना, मतलब उसका जो लेंथ होनी चाहिए तो वो 2 मीटर जितना मेजरमेंट करके आपको कट करवाना है, या तो आप अपने टेलर से कट करवा सकते हो और अदरवाइज़ आप घर पर भी कट कर सकते हो। कट कर लेने के बाद जो पल्लू था उसको हमें क्या करना है, दुपट्टा बनवाना है। तो दुपट्टा मैंने कैसे करवाया, देखिए ये जो साड़ी थी ये 2 मीटर मैंने पल्लू से लेके कट करवाया था, और यहाँ पे जहाँ से मैंने कट करवाया है वहाँ पे एक छोटा सा लेस लगवाया है। देखिए ये छोटा सा लेस लगवाया ताकि ये इसमें कवर हो जाए। ये देखिए ये लेस पूरे पल्लू था, साड़ी था, इसको मैंने लहंगा कर दिया। तो देखिए यहाँ से मैंने कट कर दिया है, तो यहाँ पे एक गोल्डन कलर का इसमें मैच हो रहा था वही लेस मैंने यहाँ पे लगा दिया है, दैट्स इट। और आपको कुछ नहीं करना है बस। तो ये हो गया पल्लू से हमारा दुपट्टा रेडी। देन आफ्टर जो बचा हुआ रिमेनिंग साड़ी है उसको हमें इस तरह सिंपल सा लहंगा सिलवाना है। तो देखिए यहाँ पे इसमें कुछ नहीं किया हुआ है, जहाँ से कट किया है वहाँ पे दोनों एडजेस को जॉइंट करवा के टीच करवा दिया है बस। एंड यहाँ पे एक अलग सा कपड़ा मैंने जॉइंट किया था ताकि इसका जो हाइट था वो थोड़ा सा कम था, तो मैंने यहाँ पे अलग सा कपड़ा लेके जॉइंट करवाया और इधर लेस लगवाया। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह के वीडियोज़ देखने हैं, तो मैं उस तरह के वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए प्लीज़, लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कोई और डिफरेंट तरह के वीडियोस में वीडियोस देखना चाहते हो तो वो मुझे सजेस्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगी उस पर वीडियो बनाने की। तो जो मैंने साड़ी से मैंने बनवाया है लहंगा ये रहा, ये लेस जो है ऑलरेडी साड़ी में ही था, मैंने इसमें कुछ नहीं करवाया है, जस्ट उसको लहंगा सिलवाया और जो पल्लू था उसको मैंने डिफरेंट करके जहाँ से कट कर दिया है वहाँ पे लेस लगा दिया है, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है आपको, ये देखिए ऑलरेडी जो साड़ी का जो ब्लाउज था वही इसमें यूज़ करनी है। ये देखिए तो ये ब्लाउज हो गया हमारा, देन दुपट्टा हो गया और लहंगा भी रेडी है। खासकर इसमें एक बात ध्यान रखने की ये है कि जो साड़ी का जो पल्लू होता है वो साड़ी से थोड़े डिफरेंट कलर होना चाहिए, तो ये और भी निखर के आता है। जो दुपट्टा होता है ना तो डिफरेंट कलर का हो तो और भी अच्छा है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी ये साड़ी यूज़ कर सकते हो। और ये वाली एक साड़ी है, देखिए ये भी बहुत ही ट्रेंड चल रहा था जब नया नया निकला था, तो ये वाली साड़ी है यहाँ पे नीचे इस तरह से डिज़ाइन दिया हुआ है पूरी साड़ी में। ये देखिए ये पूरी साड़ी में इस तरह से डिज़ाइन दिया हुआ है,
बॉर्डर भी है इसका, तो पूरी साड़ी में डिज़ाइन दिया हुआ है और इसके जो पल्लू है, पल्लू भी थोड़ा डिफरेंट इसमें मिला हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये जो पल्लू है यहाँ से कट करवा के यहाँ पे लेस लगानी है, देन आफ्टर जो बची हुई साड़ी है उसको आपको लहंगा सिलवाना है। ये देखिए, ये लहंगा सिलवाना है इसका। तो हमारा ये जो पल्लू का जो भी कलर है इस डिज़ाइन में भी मैच हो रहा है, बॉर्डर में भी मैच हो रहा है। देन इसके ऊपर जो ब्लाउज पीस मिला था ऑलरेडी, उसका ब्लाउज तो सिला हुआ है। तो आपको इस साड़ी में दुपट्टा देन लहंगा भी रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कलर है तो सिलवाओगे तो और भी अच्छा है। अदरवाइज़ आपके पास सिर्फ प्लेन साड़ी है या फिर सिंपल जो भी डिज़ाइंस होती है वो पूरी एक ही साड़ी, पूरा एक ही कलर है, तो भी आप उसका बनवा सकते हो, आप लहंगा और दुपट्टा क्रिएट कर सकते हो। और ज़्यादा उसे और ब्यूटीफुल बनाने के लिए उसमें आप कोई भी पैचेस लगा दीजिए, कोई रेडीमेड पैचेस मिलते हैं वो लगा दीजिए या फिर लेस लगा लीजिए, तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। अभी इस तरह के अगर आपके पास कोई पुरानी साड़ी हो तो आप रीयूज़ कीजिए, या तो आप लहंगा सिलवा दीजिए, बहुत ही मस्त लगेगा। अदरवाइज़ आप कोई अम्ब्रेला टाइप का ड्रेस सिलवा सकते हो, तो आप उसे रीयूज़ करें, डिफरेंट आउटफिट क्रिएट करें, आप वेयर कीजिए, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। जो आइडिया है वो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि इस तरह का जो और भी क्रिएटिविटी है मैं आपसे शेयर करती रहूँ, आप सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय।